गिरी पड़ी नहीं हो कि आप मेरे रिश्ते की भीख मांगने जाएंगे उनके पास, समझिए आप। आपको याद है 3 साल पहले एक लड़की के बारे में बताया था सारिन ने आपको? बहुत अच्छी लगती है उसको और उसी से शादी करना चाहते हैं। वो बात 3 साल पुरानी है। जी अंकल, सारिन उसी से शादी करना चाहते हैं। सब कुछ मैं ही बता दूं क्या? अब हमें किसी और से कुछ नहीं सुन। मेरी बेटी को इतनी गरीब पड़ी नहीं है कि जबरदस्ती किसी से शादी करे। दोबारा किसी से क्या चक्कर है और कितना पुराना चक्कर है उससे मेरा कोई ताल्लुक। बस अब ये रिश्ता यहाँ खत्म। फैजान साहब, सारिम का किसी से कोई चक्कर नहीं है। आप प्लीज मुझे 2 दिन दे दीजिए, मैं 2 दिन में सारी बात क्लियर कर दूं। मैं रूमी से मोहब्बत करता हूं। क्या? और उसके अलावा किसी और से शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ रूमी से, वरना आप लोग समझ जाइएगा कि आपके बेटे की किस वक्त शादी आई नहीं। सारिन, सारिन तुम्हें कुछ अंदाजा है? तुम फैजान साहब की बहू के बारे में बात कर रहे हो? नहीं अब्बू, जब मैं पहली बार रूमी से मिला तो वो फैजान अंकल की बहू नहीं थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारा किस्सा बहुत पुराना है। ऐसा नहीं है आंटी, इस सब में रूमी का कोई कसूर नहीं है। उसको तो मेरी फीलिंग्स के बारे में पता भी नहीं है। खबरदार, जब तुमने अपनी जबान से मेरी बहू का नाम लिया, मैं तुम जैसे करेक्टरलेस इंसान से बात भी करना नहीं चाहता। चलो कौसर, अभी अपनी मजीद बेइज्जती नहीं करवानी है, और एक बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो, आइंदा कभी तुम्हारी जबान पर मेरी बहू या सैरिज का नाम आया ना, तो तुमने मेरी शख्सियत का सिर्फ एक रूप देखा है। कोशिश करना कि मुझे दूसरा न दिखाना पड़े। चलो कौसर। I'm sorry, Appu. And I'm really sorry, Ammi. मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता था। I'm really sorry. इत्तला मिल चुकी है या मैं खुद बताऊं? हाँ सैरिश, मैं तफाक से खाला जान के घर पर ही। अच्छा, तो फिर तो तुम्हें अपने सारे भाई और माँ के अफेयर के बारे में पता चल क्या होगा, है ना? नहीं सैरिश, तुम गलत समझ रही हो। बस कर दो रिशा, बस करो। उसी के पैर में तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दूं। सैरिश, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है, और अफेयर सारिम भाई और माहम का नहीं बल्कि रूमी भाभी और सारिम भाई का। क्या भाभी?
रही हो, क्या कह रही हो तुम, क्या कह रही हो? हाँ सैरिश, मैं रूमी भाभी की ही बात कर रही हूँ। सारे भाई रूमी भाभी से 3 साल पहले मिले थे और वो उनकी मोहब्बत है, और अभी उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि अगर वो शादी करेंगे तो रूमी भाभी से ही करेंगे। भाभी आपके पास सिद्दीकी एम्पायर का कार्ड क्या कर रहा है? पता नहीं, फेंक तो इसे, भाई लाए थे बैग, शायद उन्हें ही किसी ने दिया। सिद्दीकी कुरियर वाला आया था, एड्रेस उसे कंफर्म नहीं था, लेकिन उसने मुझे दिखाया कि रूमी बीबी का नाम लिखा है, तो मैंने ले लिए, शायद रूमी बीबी के लिए आया। रानी दुआ करना वहां सब ठीक हो। रूमी बाजी क्यों फिक्र कर रही हैं, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सैरिश बाजी, कितनी मासूम बनी फिरती है ना आप, दिखा दी अपनी असलियत। अरे मेरे भाई का ख्याल रख लिया होता, उसकी मोहब्बत का ख्याल रख लिया होता, उन घर वालों की जिन्होंने आपको छत दी। क्या कर रही हैं? तमीज नहीं है तुम्हें? क्या बदतमीजी है, क्या बोल रही हो तुम? अगर सारिम तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो उसमें मुझ पर गुस्सा क्यों उठा रही हो? अच्छा तो अब आप जैसी औरत मुझे तमीज सिखाएगी? मेरी परवरिश पे उंगली उठाई थी ना, अब दिखा दे, दिखा दी अपनी औकात, दिखा देगा खुद किस तरफ की मालिक हो। सैरिश मैं चुप खड़ी हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है तुम कुछ भी बोलोगी। मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, आपने तो करके दिखाया है। मेरी नाक के नीचे सारे के साथ अफेयर चलाती रही 3 साल, 3 साल से आप उसको जानती है ना, और ऐसे नाटक करती जैसे पहली दफा मिल रही है। भाई को धोखा दिया आपने, उसे तो आपको फर्स्ट क्लास में बुलाया था। मेरे माँ बाप को जिन्होंने आपको इतनी मोहब्बत दी, कितनी कमजोर निकली आप। सैरिश जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ वाकई गलती तो समझ रही थी मैं, काश मैं उसी वक्त समझ जाती जब आपके पर्स से सिद्दीकी एंटरप्राइज का कार्ड निकला था। आपके आपके लिए फूल आए जा रहे हैं, माम से हंस हंस के बातें हो रही हैं और सारम से अकेले में बातें हो रही हैं, और सब आखिर में कुछ नहीं बचा तो मेरे माँ बाप को खुद ही कह के जाओ, जाके रिश्ता तोड़ के आओ। वाह भाभी वाह, क्या प्लानिंग की आपने, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्या प्लानिंग की। देखो तुम्हें गलत लग रहा है, मेरा सारिम से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है, और अब मैं आपको यहाँ पे रहने नहीं दूंगी, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। अगर अभी आप जान बचाना चाहती हो तो मुझे घर से बाहर निकालने दो। छोड़ो, ये घर मेरा भी उतना है जितना के तुम्हारा, ये आपका घर नहीं है। उन्हीं तंगियों में वापस है जहां से आई आप, समझी? मैं जब तक कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मम्मा पापा नहीं आ जाते। मम्मी पापा को सब कुछ पता है भाभी, उन्होंने ही मुझे कहा कि जब तक वो आए आप यहां से जा चुकी हो, इसलिए गेट आउट। क्यों बोल रही हो तुम? मम्मा पापा कभी ऐसा नहीं कह सकते। सैरिश मैं आहिल को लेकर कहां जाऊंगी फिर? आहिल आपके साथ कहीं नहीं जाएगा, भूल जाओ उसे। अब आपका इस घर से और आहिल से कोई ताल्लुक नहीं है, समझी आप? सैरिश मैं माँ हूँ आहिल की, मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ?
तो ये बात सारिम से अफेयर चलाने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। आपको लगता है कि एक ऐसी औरत के हवाले मैं अपना एक वाहिद भतीजा करूंगी? बिल्कुल नहीं, हर को मैं किसी सूरत आपको नहीं दूंगी। इसी तरह जिंदगी गुजारे अपनी तलवार के लिए। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। अच्छा, जब तक मामा पापा नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कॉल करूं पुलिस को? करो पुलिस को कॉल। बोलूं कि एक औरत अपने आशिक के साथ चोरी करती हुई पकड़ी गई है? एक रात पुलिस के हवालत में रहेंगे ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे आपके। रानी, आज यहाँ पे जो हुआ अगर इसके बारे में तुमने किसी को भी बताया तो इस नौकरी से तो जाओगी। मैं सीधा सीधा तुम्हें अंदर भी करवा दूंगी, समझी? नहीं सरजमा जी, मैं किसी जाओ। अम्मी प्लीज एक बार तो मेरी बात तसल्ली से सुन ले प्लीज। सारिम, मुझे तुमसे ना ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। आज तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा कराया, मुझे भी और मेरी तरबियत को भी। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। अभी प्लीज ऐसे तो मत कहे। हकीकत इस तरीके से सामने आ जाएगी मुझे उसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आई प्रॉमिस यू, सारी सिचुएशन एकदम से बिगड़ गई, अचानक से बिगड़ गई। I had no idea. तुम क्या समझ रहे थे कि तुम किसी की बेटी को रिजेक्ट कर दोगे और वो लड़की जाकर अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताएगी? मैं तो कहती हूँ कि वो लोग शरीफ लोग थे, बल्कि यूं कहो कि खानदानी। अगर कोई और लोग होते ना तो ना जाने क्या तमाशा बनाकर जाते। और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई उनके सामने उनकी बहू का नाम लेने की? तुम्हारी जबान जरा भी नहीं लड़खड़ाई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो सारे? और ये रूमी की क्या बात कही थी तुमने? इस बात में क्या वाकई कोई सच्चाई है? वो लड़की जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो कोई और नहीं रूमी ही थी अम्मी। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था, नाम तक नहीं पता था। जब मैंने उसे घर में देखा सैरिश की फैमिली के साथ, मैं खुद परेशान हो गया। उस वक्त से मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा हूं, बेचैनी की कैफियत है। मुश्किल है तुझे यूं बुलाना, अब दूर मुझसे तुझे।
और माहम, तुमसे कम अज कम मुझे ऐसी बेवकूफ़ी की हरगिज उम्मीद नहीं थी। और तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो लोग रूमी से कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे? तुम दोनों जानते भी हो तुमने दो दो लड़कियों की जिंदगी को अजाब बना के रख दिया। सहरिश को अलग हर्ट किया और रूमी की जिंदगी को अलग सवाल बना दिया तुम लोगों ने। इस सब में रूमी का कोई कसूर नहीं है। वो तो मेरी फीलिंग्स के बारे में जानती तक नहीं होगी, कुछ अंदाजा नहीं होगा उसे। मगर अब तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पूरी दुनिया जान चुकी है। आंटी, हमें अंदाजा नहीं था कि मामला इस हद तक चला जाएगा। तुम दोनों अगर मुझे पहले से बता देते ना तो शायद हम कोई बेहतर रास्ता निकाल लेते। अब तुम लोग दुआ करो कि फैजान और कौसर रूमी की बात तसल्ली से सुन लें और उससे बदगुमान ना हो। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, तुम दोनों उस फैमिली से कोई भी कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ दिनों के बाद खुद उन लोगों को फ़ोन करूँगी, बात करूँगी और मैं खुद ही इस मामले को हैंडल करूँगी। मैंने तो सैरिश को सब बता दिया, न जाने उसने रूमी भाभी का क्या हाल किया होगा। तो क्या मालूम था कि ये सब वन साइडेड है। अब तो सैरिश मेरी बात पर यकीन भी नहीं करेगी। तुम्हारे डैड को देखो, कहाँ जाना है मेरी बहन? मैं छोड़ देता हूँ आप। कहीं नहीं जाना। डरो मत मेरी बहन, मेरे घर में भी बहन बेटियां हैं। आपको मैं काफी देर से देख रहा हूँ, कभी आप इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं। अकेले इस वक्त घूमना खतरे से खाली नहीं है। आप बैठे, मैं आपको आपकी मंजिल तक छोड़ देता हूँ। पैसे नहीं है मेरे पास। बहन तुम मुझे बता दो जहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ, पैसों की कोई बात नहीं। अल्लाह पे भरोसा रखे, बैठ जाए। रूमी, 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 कहाँ है रूमी? कौसर, 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 आराम से, आराम से। आप इत्मीनान से बैठे और फिर बात करें। आप अभी भी कह रहे हैं कि मैं इत्मीनान से बात करूं? तुम जो अच्छी तरह जानती हो ना सारे। पिछले 3 साल से भाभी का सारिम के साथ अफेयर चल रहा है, सब बताती है रिशा ने मुझे। देखा, मेरे बेटे को भी वो बेवकूफ बना रही थी। अच्छा ठीक है, ठीक है, मगर आप एक दफा उसे बुला के उससे बात तो कर लें। चली गई है वो। और आहिल, आहिल को नहीं मैंने ले जाने दी। सारी आपने उसे जाने दिया? हमारे आने तक रोकती हो तो सही कम से कम आप उसे। पापा, जिस लड़की ने आपकी बेटी की खुशियां उजाड़ी, आपके इतने मोहब्बत करने वाले बेटे को धोखा देती है, आप कह रहे हैं कि मैं उस लड़की को रोक लेती है? और जब तुमने उससे सारिम का पूछा तो उसने क्या कहा? कहना क्या था? सब कुछ मान गई। ढटाई से कहती है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, वो तो सब कुछ मान गई। पापा, उसने इनकार नहीं किया, छुपाया नहीं। कितनी कमजोर निकली वो लड़की, हमने उसे बेटी की तरह समझा,
और उसने हमें ये सिला दिया। मत रोए मामा, हम नहीं रोएंगे, अब हम नहीं रोएंगे, अब तो भाभी रोएंगी। मैं उन्हें आहिर किसी सूरत नहीं वापस करूंगी। रूठी, इन तमाम बातों को मेरा दिल कबूल नहीं कर रहा। आहिल कहाँ है? रानी के साथ ऊपर कमरे में। मैं चाहती हूँ उसके पास। उन्होंने मुझे कहा कि जब तक वो आए आप यहां से जा चुकी हो, इसलिए गेट आउट। मैं आहिल को लेकर कहां जाऊंगी? तेरा आहिल आपके साथ कहीं नहीं जाएगा, भूल जाओ उसे। अब आपका इस घर से और आहिल से कोई ताल्लुक नहीं है, समझिए आप। कौन है भाई? कौन है? भाई। रूमी, बेटा क्या हुआ है? क्या? अच्छा अंदर अंदर चलो, अंदर चलो। क्या हो गया? अम्मी, शान से, जल्दी है। लाला, मेरी बच्ची, क्या हुआ? बेटा, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। इधर 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 बैठो। नहीं भाई। मैंने कुछ नहीं किया, मैं वादा करती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं। क्या हुआ बेटा? प्लीज मेरे दिल को कुछ हो रहा है, जल्दी बताओ क्या हुआ। बोलो बेटा क्या हुआ? जाके पानी लेकर आओ, जाओ। बोलो ना बेटा क्या बात है, तफसील से बताओ, मेरे दिल को कुछ हो जाएगा, बोलो ना। और आहिल कहाँ है? उसने छीन लिया आहिल को। किसने घर से निकाल दिया मुझे? किसने निकाला घर से? रूमी, किसने निकाला तुम्हें घर से? मैं कह रही हूँ अम्मी, उससे बच्चा छीन लिया, उसको रात को निकाल दिया। तू बता पहले उसकी पूरी बात सुनो, चलो अंदर। अरे तसल्ली से उसकी बात तो पूरी सुन ले, उसकी हालत देखो यार। रूमी, रूमी बेटा, अभी क्या? तफसील से बताओ, तफसील से बताओ। बेटा देखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें हमें बताओ हुआ क्या? बोलो बोलो। मुझे कैसे कहा मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया अल्लाह।
मेरी बच्ची पे पहले कम मुसीबतें थी, पहले कम मुसीबतें थी, एक और आजमाइश डाल दी यार। क्या सोचा था, क्या निकली? मैंने तो हमेशा उसे अपनी बेटी समझा और उसने हमें धोखा देकर हमारी आंखों में धूल झोंकती रही और क्या क्या करती रही वो। मुझे भी सारिम को पहचानने में किस कदर गलती हुई, किस ढिटाई से कह रहा था वो कि जिस वक्त मैं रूमी से मिला वो किसी की बहू नहीं थी। इंसान अपने चेहरे पे कितने नकाब सजा के रखता है पता ही नहीं चलता। भाभी मुझे एक बार तो बताती सारिम के बारे में, मेरे से जो होता मैं करती, लेकिन उन्होंने तो बाहर का ख्याल भी नहीं किया। और सब कुछ कर गुजरी। अगर ये मामला 3 साल पुराना था तो हमें पता कैसे नहीं चला, लेकिन रूमी तो ताबिश के साथ बहुत खुश थी। क्योंकि अब ऐसे लोग नहीं है ना पापा, हमारा दिल हमारा दिमाग बहुत साफ है, हम ऐसा किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। अच्छा हुआ ना हमें सच्चाई पता चल गई, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से तो बच गई। बच गई? मैं तो सारे जमाने में जलील हुई हूँ। सारिम ने मंगनी तोड़ी है मुझसे, और ये करके उन्हें अच्छा नहीं किया। उन्हें लगता है कि अगर वो मुझसे मंगनी तोड़कर भाभी से शादी कर लेंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, पूरे आईटी डिपार्टमेंट में उनका नाम बर्बाद कर दूंगी। अपने गुस्से को काबू में रखो सारिश, अगर तुम सारिम को बदनाम करोगी तो तुम खुद भी बदनाम हो जाओगी। रूमी अब आजाद है, वो जिससे चाहे शादी कर सकती है। हमारा हक सिर्फ आहिल पे है और मैं किसी भी सूरत में आहिल को रूमी के पास रहने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी कि भाभी मेरी खुशी खत्म करके सारिम से शादी कर ले। नेवर। या अल्लाह, मेरी बच्ची पहले इतनी मुश्किल हो गई थी, तूने और इस आजमाइश में डाल दिया। मुझे सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है। भाई साहब आहिल को मुझे ला कर दे। रूमी तुम्हें आहिल को वहां छोड़ के नहीं आना चाहिए था, तुम कम से कम फैजान अंकल और कौसर आंटी का वेट तो कर लेती। कैसे वेट करती मैं डर गई थी वो पुलिस बुलाने वाली थी। हाँ बेटा तो तुम्हें चाहिए था ना तुम सहरिश को बताती तफसील से कि तुम्हारी सारिम से मुलाकात इत्तफाकिया थी। उसने मुझे ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया कि मैं अपने आप को एक्सप्लेन करूं। मुझे भाई मुझे प्लीज मेरा बच्चा ला दे, मैं दोबारा उस घर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगी। अम्मी वैसे आपको फैजान अंकल को कॉल करनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि उनके कहने पर हमने रूमी को वहां छोड़ा था ना, तो आधी रात को इससे बाहर क्यों निकाल दिया उसे? खुदा ना खास्ता रास्ते में कुछ हो जाता इसे तो। अल्लाह ना करे। वैसे शान से तुम ठीक कह रही हो, मुझे फैजान भाई से बात करनी चाहिए फोन करके। और आरिफ तुम तब तक कुछ नहीं करोगे जब तक मैं उनसे बात ना करूं, समझे? फोन ला कर दो मुझे। हेलो, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। नज़रें मिलाने के तो आप काबिल हैं नहीं, जो आपकी बेटी कारनामा अंजाम दे के गई है।
ये बातें तो मैं आपसे बाद में करूंगी। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कौसर बहन, क्या आपने किस तरह मेरी जवान बच्ची को आधी रात को धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया, उसके बच्चे को छीन के इतनी रात को, आपको जरा भी ख्याल नहीं आया? क्या खानदानी लोगों का ये रखरखाव होता है? अगर सैमिश मुझे बस एक बार फोन कर देती, कहती कि आंटी आके रूमी को ले जाए, तो मैं अपनी बच्ची को खुद आके अपने साथ लेके आ जाती। गिरी पड़ी नहीं है मेरी बच्ची, किस तरह रात को अकेली निकल के आती। मेरे खानदान पर उंगली उठाने से पहले जरा आप अपने खानदान पर नजर डालें। एक लड़की एक वक्त में दो लड़कों से चक्कर चलाती है। अगर एक से शादी हो जाए या शौहर के मरने के बाद अपने पुराने आशना से दोबारा से राब्ता करती, आगे जिंदगी बढ़ाने की प्लानिंग करती है, उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी नंद का होने वाला शौहर है। गलत, बिल्कुल गलत। और ये एक बेबुनियाद इल्जाम है जो सैरिश मेरी बेटी पे लगा रही है। सारिम की और उसकी मुलाकात इत्तफाकिया थी। मेरी बेटी की जिंदगी में उसके शौहर के सिवा कोई दूसरा इंसान ना था ना है। ये वाजबी और इत्तफाकिया मुलाकात इतनी मजबूत थी कि सारिम ने सैरिश से शादी से इनकार करके और रूमी से शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। और तो और, रूमी ने हमारे आने का इंतजार भी नहीं किया और इतराफ करके घर से चली गई। तो जाहिर है ना, रूमी और सारिम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आपको शर्म नहीं आ रही मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाते हुए? ये बिल्कुल झूठ है। आपकी बेटी आपसे झूठ बोल रही है। अच्छा, आपकी बेटी सच बोल रही है और मेरी बेटी झूठ बोल रही है। वाह, ये बात तो आपने खूब कही। हमें क्या पता हो रूमी किस तरह घर पहुंची। जाहिर है सारिम ही उसे छोड़कर आया होगा ना। बस आप इल्जाम लगाना बंद कर दें। इस बात में कोई हकीकत नहीं। चीखने से हकीकत बदल नहीं जाती। चलें, मैं एक लम्हे के लिए रूमी पे यकीन कर भी लूं। वो क्या था जो सारिम के मुंह से मैं सुनकर आ रही हूँ? आप उससे तो इनकार नहीं कर सकती ना कि वो रूमी से शादी करना चाहता है। बराए मेहरबानी आप हमसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। हमारे सबर का इम्तिहान मत लें। आहिल रूमी की औलाद, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आहिल इस घर का वारिस है, वो हमारा पोता है। आइंदा आप उसका नाम भी अपनी जबान से मत लीजिएगा। हेलो, अम्मी क्या हुआ? अम्मी क्या कहा है उन्होंने? अम्मी अम्मी प्लीज बताएं क्या बोला है उन्होंने? कहना क्या है? उन्होंने रूमी को ही कसूरवार ठहराया कि रूमी ने सैरिश की खुशियों का गला दबाया। अम्मी, उन्होंने उन्होंने आहिल के बारे में क्या कहा? वो कभी भी आहिल तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। ऐसे कैसे हवाले नहीं करेंगे? मैं भी देखता हूँ कैसे हवाले नहीं करते। रूमी तुम हौसला करो, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है और मेरे होते हुए तुमसे तुम्हारी औलाद कोई नहीं छीन सकता। आरिफ, वो अमीर लोग हैं, वकील अदालतें सब अफोर्ड कर सकते हैं, असर रसूख वाले हैं, आहिल की आराम से कस्टडी ले सकते हैं वो। तो जिस तरह रूमी पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं, इस तरह हमारी बात कोई भी नहीं। कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे मेरी बहन पे पूरा भरोसा, पूरा यकीन है इस पे। ये कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारी इज्जतों पे हर्फ आए। आहिल, आहिल, आहिल कैसे रहेगा मेरे बगैर? अम्मी
अम्मी उसको तो मेरे बगैर नींद भी नहीं आती। हौसला करो मेरे बच्चे, हौसला करो, सब्र करो और उसको अल्लाह ताला की आजमाइश समझ के कबूल करो। अल्लाह जरूर कोई रास्ता बनाए। मैंने अपने सुकून के लिए रूमी को बेसुकून कर दिया। पता नहीं उस बेचारी से क्या क्या कह रहे होंगे। ये तो होना ही था सारे, एक ना एक दिन ये बात तो खुलनी थी। अच्छा हो गया अब खुल गई। तो उस सब में उसका क्या कसूर है यार? उसको तो सारे मामले का पता भी नहीं है, वो बिल्कुल अनजान है मेरी मोहब्बत से। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जब उसे सारे मामले का पता चलेगा वो मेरे बारे में क्या सोचेगी यार। मुझे सोच सोच के शर्मिंदगी हो रही है। सारे पुरानी बातें छोड़ो ना, अब ये सोचो कि आगे क्या करना है।